क्या आपको याद है मध्य प्रदेश में आखिरी बार कौन सी बड़ी भर्ती आई थी जो समय पर आई भी हो और बिना किसी विवाद के नियुक्ति भी दे दी गई हो? शायद आप कहेंगे नहीं, ऐसी कोई भर्ती याद नहीं आती जो खूब सारे पद लाई हो और बिना किसी विवाद के पूरी हो गई हो। लेकिन अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बड़ी भर्ती आई है और वो भी स्वास्थ्य विभाग में। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सहायक चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती कर रहा है और वो भी 3,335 पदों पर। जी हाँ, आपने सही सुना, 3,335 पदों पर ये भर्ती की जा रही है और इस भर्ती की समीक्षा खुद डिप्टी सीएम और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल कर रहे हैं। 20 अगस्त को ही डिप्टी सीएम ने इस भर्ती की समीक्षा बैठक की और अफसरों को ये भी कहा कि जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी की जाए। डिप्टी सीएम का ये भी कहना है कि भर्ती में लगने वाले समय को जितना हो सके कम से कम रखें और समय के अंदर इस भर्ती को पूरा करें। वैसे भी प्रदेश में भर्तियां तो बड़े जोर शोर के साथ निकाल दी जाती हैं, लेकिन वो पूरी कब होती हैं और उनके पूरा होने तक कितना विवाद होता है, इससे प्रदेश के युवा अच्छे से परिचित हैं। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।